अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के साथ अपराधी को प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज थाना कर्नलगंज पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से सोने व चांदी के आभूषण साफ करने के नाम पर गहने चुराने वाले अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर कब्जे से कई आभूषण व एक अवैध पिस्टल, एक तमंचा, 3 मोटरसाइकिल, गहने साफ करने का ब्रश आदि बरामद किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। और किस तरह से यहाँ थाना कर्नलगंज और सिटी एसओजी की टीम ने एक टप्पेबाजों के गैंग को पकड़ा है और उसे भारी मात्रा में रिकवरी भी हुई है। इसमें 6 सदस्य शामिल हैं। ये गैंग बेसिकली भागलपुर और मुंगेर का रहने वाला है, जिसके 2 मेंबर अस्थायी तौर पर कुछ दिन पहले से यहाँ पे नैनी में रह रहे हैं और वो ज्वेलरी जोड़ने, गलाने का काम और कपड़ा बेचने के बहाने क्षेत्र में घूमते हैं, रैकी करते हैं और पूरी एरिया की जानकारी करते हैं। और ये 4 मेंबर जो है ये मूव करते रहते हैं। ये आए और किसी होटल में, सस्ते धर्मशालाओं में रुकते हैं और वहाँ से फिर जैसी सिचुएशन देखते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे इलाके हैं जहाँ जाकर औरतों से ज्वेलरी वगैरह साफ़ करने के नाम पर उनसे ठगी कर लेते हैं, लेके भाग जाते हैं। कहीं पे चेकिंग के नाम पे बता देते हैं कि आगे चेकिंग हो रही है और औरतों बच्चों से उनकी ज्वेलरी ले लेते हैं। कहीं कहीं पे इन्होंने स्नैचिंग की घटनाएँ भी की और तालाबंद देकर घरों में चोरियाँ भी कर ली, लेकिन ये सभी मामलों में ज्वेलरी और कैश ही पे हाथ डालते थे। इनसे पूछताछ पर ये भी जानकारी मिली है कि ये बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र में भी घटनाएँ किए हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें मिली, 1 पिस्टल भी मिला है, 1 तमंचा भी मिला है और भारी मात्रा में इनसे ज्वेलरी मिली है। 5 घटनाओं का अनावरण हुआ है और सभी से संबंधित इनसे जो ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है। और इनसे जो पूछताछ मिली है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है कि इनके काम करेंगे, क्योंकि इनसे कई घटनाएं खुली हैं। इन गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और आगे भी इनको निगरानी की जाएगी। जो ज्वेलरी बरामद हुई की कीमत क्या है? देखिए, मार्केट की कीमत तो काफ़ी होगी, क्योंकि उसमें कंगन भी मिला है, उसमें मंगलसूत्र भी मिले हैं, उसमें कई कप्स मिले हैं, अंगूठी मिली है, काफ़ी लाखों में।